ये चाय है एक मम्मी ने अपने लिए बनाई है एक मिस्त्री भैया के लिए बनाई है बंद कर ठीक है बंद कर लेती हूँ मैं गेट बेटा थोड़ा सा जूस पी लो बच्चे तबीयत तो वैसे ठीक नहीं है आपकी है ना खाना कुछ खाया नहीं है पी ले बोलो बच्चा इतना छोड़ दिया मुझे पीना पड़ेगा बाबू के ना एक्चुअली ना ऐसे कहते हैं जो दोहरा आता है ना वो कैल्शियम की कमी की वजह से भी आते हैं अगर कैल्शियम शरीर में कम हो तो इसीलिए विहान जैसे दूध कम पीता है इतना पसंद नहीं करता तो कुछ ना कुछ फ्रूट्स में भी कुछ ना कुछ होता है ना कि न्यूट्रिशन मिल जाता है इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है बाबू रोटियों से ज़्यादा ना फ्रूट्स पर जोर देती हूँ मैं बाबू के तो यहाँ पर मम्मा सेब काट रहे थे बाबू को और विहान ने ये लगभग लगभग खा ली थी सेब तो सुबह रोटी नहीं खाता मेरा बच्चा तो कुछ ना कुछ फ्रूट ही मेरे को खिलाना होता है कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि भैया नाराज लग रहे हैं तो देखिए भैया ना इस वजह से नाराज नहीं थे कि मतलब ये मतलब ये काम कर रहे हैं वो कुछ और बात थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये लीजिए भैया नमकीन खा लीजिएगा सेफ खाए मम्मी इसे कुछ थोड़ा थोड़ा दे उसके तो, थन्द, थन्द लगा कपड़े तो, तो, तो तो कपड़े पानी रखे। मेरे से ठंड लगी है मेरे जुखाम हो गया ना तबियत भैया ने मुझे सुबह बोल दिया था की ना ये जगह थोड़ी खाली कर देना जो दो टाइल्स ए सी लगवाया था याद होगा आपको तब दो टाइल टूटी थी हमारी तो वो दो टाइलें ना रखी हुई है बस दो ही रखी है वो भी कैसे ना कैसे जोड़ घटा करके वो भी सेट करवा दूंगी मेरा मेरा कोशिश ये की लगे हाथों अब लगे हुए हैं भैया लोग तो जो भी छुटपुट काम है ना वो भी मैं निपटा दूँ और भैया ना इस बात से नाराज नहीं थे एक्चुअली हुआ क्या था थोड़ी स्टेंडिंग हो गई थी और एक्चुअली क्या होता है कई बार कोई बात जैसे भैया ने मेरी मम्मी से कर ली और मेरे से नहीं करी तो मुझे पता नहीं होती तो मेरा रिएक्शन थोड़ा अलग हो जाता है जैसे हुआ क्या था कि भैया के पास ना भैया ने ना हथौड़ी किराए पर लेकर आए थे और भैया ने मुझे आज बताई ये बात चार पांच दिन बाद तो मेरे को मैंने इस बात पर बोला भैया आपने मुझे बताते ना ये बात मेरे पास तो हथौड़ी रखी हुई थी मेरे पापा जी के घर में ऊपर रखी हथौड़ी मैं दे देती किराए पर लेने की जरूरत नहीं थी और भैया ने बात करी थी मेरी मम्मी से इस बारे में कि ना हथौड़ी नहीं है मेरे पास हथौड़ी फिर मम्मी ने बोल दिया उस टाइम की ठीक है आप किराए पे ले आओ तो ये बात मेरे को फिर जब मैंने भैया को बोला मैंने कहा भैया मैं किराया क्यों दूँ मतलब ऐसे कि आपने मेरे से पूछा ही नहीं जब चार पाँच दिन हो चुके हैं मैं चार पाँच दिन का किराया फालतू में जा रहा है क्योंकि हथौड़ी तो हमारे घर पे है तो इस बात पे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो मम्मी ने मुझे समझाया बोलते कि नहीं मेरे को नहीं पता था कि हथौड़ी मतलब तेरे पापा के पास थी तो तू ले सकती थी तो मतलब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई फिर मैंने भैया से बात करी मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं था अदरवाइज मैं ना बोलती आपको कुछ भी और जब पता चल गई बात तो ठीक है आप ना वो हथोड़ी वापस कर देना चार पांच दिन का मैं किराया दे दूंगी उसके बाद उसके बाद फिर अब हाँ, हमारे घर पे रखी है वो हथोड़ी यूज कर लेंगे थोड़ी सी ना सफाई यहाँ की आगे आगे की करी है मैंने और यहाँ विहान के देखो सारे खिलौने हैं ना मैं यहाँ चादर बिछा के इधर ही बैठ लेगा खेल लेगा मैं अंदर की सफाई करूंगी फिर के ना यहीं पे ही रख दिया खिलौने इसके और ना पता है इसमें से काफी खिलौने ऐसे हैं जो ना थोड़े थोड़े टूट गए हैं या इसने तोड़ दिए हैं वो किसी दिन क्विक वगैरह मंगवा के सारे बैठ के जोड़ दूंगी दोबारा से किसी का टायर निकाल दिया इसने किसी का कुछ सब जोड़ दूंगी और यहाँ से मैंने थोड़ा खाली किया है अभी जैसे घर में काम चल रहा है तो अभी तो कुछ फायदा नहीं है झाड़ू लगाने का मैं करती रहती हूँ फिर भी थोड़ा थोड़ा लेकिन देखो अभी मैं लगाऊंगी फिर अब भैया कुछ काम करेंगे फिर वो फैल जाता है ना तो बाकी मैं भैया का पूरा साथ दे रही हूँ जो भैया कहते हैं ना काम की ये काम कर लो तो मैं वो काम भी करती हूँ बल्कि एक्स्ट्रा भी करती हूँ भैया को मैं कह देती पूछ लेती हूँ क्या क्या काम करना है मैं सुबह ही पूछ लेती हूं, लेती लिस्ट बना तो मेरी एक्चुअली तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन मैं फिर भी काम में लगी हुई हूँ जो होता है मैं भी साथ में पूरा सहयोग दे रही हूँ ताकि काम जल्दी होगी काम मेरा है, है ना मैं लेट करूंगी तो काम लेट देख लीजिए अभी झाड़ू लगाया कोई फायदा नहीं अभी तो वैसे ही सफाइयों का इतना फायदा है नहीं तो अभी ये है ना भैया वैसे पहले बोले थे कि खाली सामान हटा खाली सामान हाँ आपने खाली सामान का बोला था मैं तो वैसे बता रही झाड़ू तो भी कोई फायदा ही नहीं है लगाने का साफ सफाई जब काम चल रहा है तो ये देखिए ये सारा जो भी यहाँ पे सिलन आई थी ना तो यहाँ पे फिर से प्लस्तर होगी दीवार में बाबू चुप चप पहले आगे चले सेन, एक सेन, इसके ना लग जाए एक सही इसको जाने दो इसको मैंने विहान को मेरी टी शर्ट पहना दी पीले रंग की आ तो सही गई वैसे थोड़ी लूज लूज सी घर में पहन पहने रहेगा क्या करूँ है ना अभी इसके कपड़े मुझे मिल नहीं रहे थे पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं मोड़ के सही आ गई खुली डी सी अच्छी लग रही है बाबू टी शर्ट अच्छी है मुझे ना काफ़ी टाइम से दो तीन दिन से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं साथ में कि आप तो वो कमेंट हटा रहे हो तो देखिए मैंने यही बात सिंपल बोली थी कि मुझे किसी और के नाम का कुछ भी अपने चैनल पे नहीं चाहिए मेरे पास कमेंट मत कीजिएगा चाहे आप मेरे भले में कमेंट करो चाहे अच्छे में करो बस कॉमेंट ही मत कीजिएगा मुझे वो नाम नूम कुछ नहीं चाहिए मैं नाम हटा रही हूँ मैं चैनल से कोई कॉमेंट ऐसा आता है तो मैं कॉमेंट में आईडी नहीं हटा रही हूँ मैं कॉमेंट सिर्फ कॉमेंट रिमूव कर रही हूँ इस टाइम आप समझिए क्योंकि मुझे नहीं चाहिए और लोग अर्धे को एक बात है मैं बोलती देखो मैंने एक वीडियो बना के मुझे ये बात क्लियर करनी थी वो मैंने क्लियर कर दी मैंने सिर्फ जो बहुत बोलनी थी जो बोल दी ठीक है उसके बाद आगे देखो सफाई देने को मेरे पास बहुत कुछ है मैं बोल सकती हूँ बट मेरा पास मेरा आदमी नहीं है मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसके बाद मैं अकेली हूँ और मुझे अपना अपनी खुद की भी सेफ्टी देखने को ध्यान में रखना है जरूरी है ठीक है तो इसीलिए मैं चुप हूँ क्योंकि देखो एक होता है कि देखो आप 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 मतलब मैं अपनी साइड से सिर्फ इसीलिए क्योंकि ना मैंने आज ता, ता, से पहले मेरे ऊपर यूट्यूब पे बहुत वीडियोस बनी चाहे किसी ने अपने ने बनाई हो किसी बाहर वाले ने बनाई हो बनी है है ना तो यहाँ पे क्या होता है ना जब आप जवाब देने लग जाते हो ना तो उस, उसमें आप ही का नुकसान होता है आप अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पाते हो और कहने को हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन पता है क्या हो जाता है देखिए चुप सिर्फ इसी वजह से हूँ क्योंकि बोलना मुझे है ही नहीं ठीक है इसीलिए इस वीडियो में भी मैं देखिए अपनी सफाई या अपनी बातें अपनी साइड मुझे कुछ रख रही नहीं हूं मैंने एक ये फैसला लिया है सोच समझ के लिया है ये सोच के कि बस खत्म करना है बस चुपचाप साइलेंट होते हैं ना एक साइड हो जाओ खत्म कर दो तो, सीधा कि सीधा वो चीज है और मेरी मेरी एक चीज़ थी जो कि एक टाइम पे याद होगा यूट्यूब पे जब मेरी मैंने अपनी आँख मेरी फूटी पड़ी थी याद होगा ना मेरी आँख पे पूरा का पूरा काल नील पड़ा हुआ था उस टाइम भी मैंने दस दिन काम किया है वीडियोस बनाई है और उस टाइम ही मेरी गलती थी कि मुझे दूरी बना लेनी चाहिए थी लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने उस टाइम दूरी नहीं बनाई मेरे को अकल होता नहीं इंसान को कहते ना कि बादाम खा के अक्ल नहीं आती टाइम के साथ धीरे धीरे आती तो मुझे आ चुकी है इसीलिए आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी और आई का नाम किसी और बंदे का नाम कोई भी हो कोई कुछ हो चाहे कुछ और हो मेरे चैनल पे मत कीजिए मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट मत कीजिए उनके उस साइड से क्योंकि मेरा अब खत्म है कहानी आपको देखना है मेरे चैनल पे तो निधि की जिंदगी देखिए निधि की दुनिया में निधि और उसका बच्चा है ठीक है जो वो काम कर रही है वो अपनी जिंदगी दिखा रही है मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूं बस मुझे एक वीडियो बना के इतना बोलना था कि अब से मेरा मेरी मैं मैं अलग हो चुकी हूं साइड हो चुकी हूं ठीक है बस मैंने उसके अलावा ना तो मैंने किसी के बारे में कुछ बोला कि ऐसा है वैसा है ना मैंने कारण बताया कि क्या थे जो है मुझे पता है मैं अपने दिल में रखे बैठी हूं और अभी भी दिल में ही रखूंगी है ना क्योंकि कुछ चीज़ें मैं इस टाइम अभी नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी आ, अपनी लाइफ में मुझे देखना है देखिए मेरा मेरा फोकस इस टाइम इस चीज़ पे ही होना चाहिए कि मेरा घर बनने लग रहा है अगर मैं इस टाइम किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना चाहती आज के टाइम में आप देखोगे मैं ससुराल मैटर को भी छोड़ चुकी हूँ उस पॉइंट पर भी मैं आज के टाइम में कोई बात नहीं करती किसी से भी कुछ भी बात हो कुछ भी हो कुछ नहीं क्यों क्योंकि देखिए मैंने ये चीज़ देखी है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप बात करते हो ना तो उससे आप ही की टेंशन बढ़ती है लाइफ में है ना और मैं इस टाइम ऑलरेडी मेरी लाइफ में एक टाइम था नवंबर मैंने बताया था दिसंबर जनवरी में मैं डिप्रेशन में रही थी और अभी मैं थोड़ा सा फरवरी में दिसंबर फरवरी में मैं डिप्रेशन से बाहर आई हूँ और थोड़ा ठीक चल रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक चलूँ आगे इसीलिए मैं कुछ भी लाइफ में जो नेगेटिव मेरा लाइफ का एक्सपेक्ट है या जो भी है मैं उसके बारे में आप लोगों से बात नहीं करती हूँ चाहे वो कोई भी हो है ना चाहे वो ससुराल वालों को छोड़ चुकी हूँ मैं चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी कष्ट हुए जब मैंने बुरा टाइम देखा मैं उस टाइम को याद नहीं करना चाहती हूँ उस टाइम को भूलना चाहती हूँ मैं दिमाग से निकालना चाहती हूं इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी का नाम ले लेके देखिए मेरी मेरी वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट मत कीजिए वो कमेंट मैं हटा दूंगी क्योंकि मुझे मेरे मेरे अब मेरे बच्चे पे फोकस करना है ऑलरेडी मेरा बच्चा बीमार है मुझे उसके इलाज पे मेरा फोकस रखना मैं चाहती हूँ ठीक है मैं अपने बच्चे के लिए देखना चाहती हूँ इस टाइम मुझे जो करना है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए करूँगी अब इस टाइम सिर्फ अपने बच्चे के लिए मुझे जीना है तो मेरे बच्चे के लिए मेरे को अपना ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए मुझसे कि बच्चे का कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है और बस मुझे अपना घर का देखना है इस टाइम और जो एक वीडियो बना के मैंने बोला था कि मैं आगे वीडियो नहीं बनाना चाहती मैं बनाना भी नहीं चाहती हूँ यहाँ पे भी मेरे को बार बार पोक ना किया जाए कमेंट करके मैं वो कमेंट ही हटा दूंगी बस मेरा इतना ही करना है मुझे आज जवाब नहीं देना आगे और मैं साइड हो चुकी हूँ तो हो चुकी हूँ बस मुझे अब अपनी लाइफ देख लेने दीजिए मुझे अपने बच्चे संभाल लेने दीजिए और मुझे अपनी जिंदगी को देखने दीजिए ठीक है अब मैंने जो भी मेरी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट रहा है जो चीज़ें मैंने झेली जो भी था मैं उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल के आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा और यहाँ पर ये देखिए मम्मी कुछ ईंटें थी जो कि वापस करनी है तो मैं बाहर से ला ला के रखे जा रही थी म, मिस्त्री भैया पकड़ाए जा रहे थे बाहर में ईंटें रख रही हूँ और वो ईंटे में मम्मी के मम्मी बोलते कुछ तेरह तेरह ईंटे मम्मी ने वापस कर दी टोटल तैंतीस ईंटे हम लेकर आए थे ये लेटर लगवाने के लिए यहाँ काम चल रहा था तो उधार में ली थी तीन चार दिन के लिए तो उनकी वापस करनी है तो ये देखिए मम्मी पाँच ईंटें फिर एक बार चार ईंटे ऐसे कर करके तेरह ईंटे आज वापस कर दी बाकी बाद में कर देंगे बाकी उन्होंने बोल रखा है अगर जरूरत हो तो ले रख भी सकते हो पैसे दे देंगे है ना उन्होंने कहा कि जो सामान की आपको जरूरत हो आप यहीं से ले लीजिए बदले में हमें पैसे दे दीजिए जो रेट बनता है तो अगर हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनसे थोड़ी बहुत ईंटें पंद्रह बीस खरीद भी सकते हैं पैसे दे देंगे बदले में जो मार्केट का प्राइस चल रहा होगा तो यहाँ पर मैं छोटा सा बस मम्मी का क्लिप बनाया था उसके बाद मैं जाते ही मिस्त्री भैया के साथ काम करवाने में लग गई थी मुझे बहुत सारे काम है पिछले अगले चार दिन मेरे लिए बहुत बहुत बिजी हूँ मैं घर सेट हो जाएगा पैसा तो पानी की तरह जाता ही है जब देखो इस तरीके का काम चल रहा होता है और आगे भी लगेगा बस भगवान जी मेरा साथ दे बस भगवान जी से प्रे करती हूँ मैं भगवान जी में बहुत मानती हूँ मैं मन में भगवान में मेरी आस्था एक एक दिन करके बढ़ती जा रही है सही में क्योंकि जब इंसान खुद अकेला होता है ना तो वो भगवान में अपना सहारा ढूंढता है और मैं भगवान जी में अपना सहारा ढूंढती हूँ ठीक है वीडियो एंड करती हूँ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा बाय